बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्थराम मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। आज अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने चाचा शिवपाल के लिए सीट खाली छोड़ने का फैसला कर दिया। साथ ही कहा कि जो उनके सहयोगी बड़े नेता है उनके भी लिए सीट छोड़ने के लिए वो तैयार है। तो ऐसे हालात में क्या नजरिया नजर आता है कि क्या चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव गठबंधन करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव ने साफ तरीके से कहा कि उनकी पार्टी जसवंतगढ़ जो सीट जहाँ से शिवपाल सिंह यादव विधायक बनते हैं उस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि और उनके जो सहयोगी हैं अच्छे नेता है उनके सामने भी उनके प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे। अखिलेश यादव ने साफ तरीके से कहा कि मानदल और अन्य जो राष्ट्रीय आरएलडी जो है उनके साथ उनका गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। अलग अलग जाति आधारित बनी हुई पार्टियों के साथ अखिलेश यादव गठबंधन करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये भी चाहते हैं कि चाचा शिवपाल को साथ ले लिया जाए ताकि ओबीसी वोट बैंक खासतौर से जो है वो बंटवारा ना हो, खासतौर से यादव जो वोट बैंक है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर ना जाए और समाजवादी पार्टी के साथ एकजुटता से जुटा रहे। इसलिए आपको बता दें कि चाचा शिवपाल को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि वो पार्टी का विलय नहीं करेंगे, पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होता है या फिर दोनों पार्टी एकजुट हो जाती है या फिर किस तरीके से चुनाव लड़ेगा, यह देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।